क्लास के लिए बुक्स निकाल लेती हूँ, मैं डिटेंशन में नहीं जाना चाहती। फिर क्या दिन था। हाँ ये तो केविन है। हे कैसे हो तुम। हाय ये कौन है। हे भगवान उसने मुझे बुलाया। सर रुको ये उसके लॉकर में कैसी पिक्चर है। इससे मुझे एक आइडिया आया तो मैं चलता हूँ। वो अपने बाल कैसे लहरा रहा है। मैं तो फिदा हो गई। ओह तुम अभी भी यहाँ हो। और यहीं रहूंगी। अब मेकओवर करते हैं। मुझे कुछ ऐसी लुक चाहिए। मैं इसे शेक क्लाउन बुलाऊंगी। ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। कपड़ों से शुरू करते हैं। अपने वार्डरोब में देखती हूँ क्या है। कुछ तो होगा जो मैं पहन पाऊँ। चलो देखें। इसमें से कुछ नहीं चलेगा। रुको ये क्या है। एक रेड और ब्लू सॉक। ये बहुत पुरानी है। इसे अब फेंक देना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड पर वापस चलते हैं। एक सेकंड रुको। यहाँ पर दो कार्डबोर्ड ट्यूब्स हैं। मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ ये काम करेगा। मुझे कैंची चाहिए। ट्यूब को तीन सेक्शंस में काटेंगे। अब इन्हें पेंट करेंगे। अब इन्हें एक के ऊपर एक रखेंगे। इन्हें स्टेपल से जॉइन कर देंगे। ऐसा ही करते जाएंगे और ट्यूब्स लगाते जाएंगे। थोड़ी और चाहिए होंगी। अब एक रिबन लगा देंगे और काम हो गया। कितना सुंदर नेकलेस है। मैं इसे ट्राई करने का इंतजार नहीं कर सकती। वाह मुझे बहुत पसंद आया। देखना होगा कैसा लग रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। परफेक्ट है। और अब क्या है। पिक्चर में देखती हूँ। सोचने दो। ये हैट। ओह वहाँ एक पड़ी है। ये आसान था। रुको ये ठीक नहीं हुआ। कुछ और ट्राई करती हूँ। हाँ जी हाँ। मुझ पर काउबॉय लुक जच नहीं रही। ओह ये फैंसी है। पर क्या ये पॉमनी जैसा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं मुझसे पिक्चर गिर गई। आज का दिन और कितना बुरा होगा। मुझे दिख रही है। बस पकड़ ही लिया। हाँ एक बलून और इस पर मिट्टी लगी हुई है। मेरे पास एक आइडिया है। बलून को यहाँ रखेंगे और एक पैंटी होज ले लेंगे। बस ये साफ होनी चाहिए। खैर छोड़ो अभी ये ज्यादा जरूरी है। एक लात में येलो बॉल डाल देंगे और इसे टेप से टिका देंगे। इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करेंगे। अब इसमें बलून डालेंगे। इसे बिल्कुल कोने तक ले जाना है। बस फाड़ना नहीं है। अब इसमें एक रेड बलून डालेंगे। कलर बदलते जाएंगे। दोनों लेग्स को फिल कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह मुझे जैसा चाहिए था ये वैसा ही है। वाह कमाल है। मेरा शीशा कहाँ है। मुझे देखना है मैं कैसी लग रही हूँ। इससे बेहतर हो सकता था। अब मुझे अपना मेकअप करना होगा। अब मेरा ब्यूटी बॉक्स काम आएगा। इसमें सब चीजें मिल जाती है। मेरी फेवरेट मेकअप पैलेट। देखो इसमें कितने सुंदर कलर्स हैं। ओह ग्लासेस हटा देती हूँ। ओह कुछ दिख नहीं रहा। पर मैं केविन के लिए कर रही हूँ तो इतनी मेहनत तो बनती है। चलो जल्दी करें। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस यहाँ डैप करना है। अब कलर्स बदलेंगे। हाँ अब लिप्स की बारी। ये चल जाएगा। मेरे लिप्स अलग से दिखने चाहिए। केविन खुद को रोक नहीं पाएगा। अब मैं रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल मॉडल जैसी दिखूंगी। मैं तो बहुत बुरी दिख रही हूँ। ये गलत बात है। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ये चीज कहाँ से आ गई। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या है। अरे हाँ मास्क को टेबल पर रखेंगे। अब इस पर ड्रॉ करेंगे। आंखों के आसपास ड्रॉ करेंगे और नाक पर भी। ये ठीक लग रहा है। अब अगले पार्ट की बारी। इन्हें काट लेंगे। बिल्कुल लाइंस के साथ साथ काटेंगे। एकदम आराम से काटते जाएंगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस पर मॉडलिंग क्ले लगाएंगे और इसे दबा देंगे। मास्क को पूरा कवर कर देंगे। क्ले को स्मूथ कर लेंगे। ये इवन होना चाहिए। अब ठीक लग रहा है। अब इसे पेंट करेंगे। व्हाइट पेंट से शुरू करेंगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये रिलैक्सिंग है। ये एक मास्टरपीस बनेगा। जब ये तैयार हो जाए तो रेड पेंट लेंगे और इसे चीक्स पर लगाएंगे। मुझे कलर बहुत पसंद है। सबको रोजी रेड चीक्स पसंद होते हैं। मेरे पास ब्लैक मॉडलिंग क्ले है। इसे लंबी स्ट्रिप में रोल कर लेंगे। अब कोनों को साथ में जोड़ देंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये टिक जाए। अब मुझे और क्ले चाहिए। इन्हें ऊपर की तरफ लगाएंगे। मुझे तीन पीसेस चाहिए। इन्हें मास्क पर लगा देंगे। हर आंख पर एक लगा देंगे। अब इसका मुंह बनाएंगे। अब हमारे पास मैश पेपर है। एक सर्कल काट लेंगे। मैंने इसमें एक छोटा सर्कल बनाया है। इसे सेक्शंस में बांट देंगे। तीन सेक्शंस को रेड पेंट करेंगे और बाकी तीन को ब्लू।
इसे आई होल में लगा देंगे और ग्लू से चिपका देंगे। दूसरी आँख के साथ भी ऐसा ही करेंगे। मेरा मास्क तैयार है। वाह, जरा इसे देखो, ये क्या हो रहा है? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब इसे पहनना होगा। वो, अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा, आखिरकार मैं तैयार हूँ। बहुत मजा आएगा, केविन के देखने का इंतजार करते। हाँ तो चलो, मैं नहीं कर पा रहा। अरे नहीं, जरा वो देखो। एओ, बस भी करो, मैं गीली हो गई हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या वो हमने किया? हमारी गलती है। बहुत हुआ, तुम्हारा और मेरा सब खत्म। अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हारे साथ बॉल में मैं चलूंगा। लेकिन तुम उसके साथ जा सकते हो। उसके साथ? सच में? चलो जाओ। ठीक है, मुझे अपना कमाल दिखाना होगा। हे, कैसी हो? मैंने कुछ नहीं पूछा। कैसे हो हैंडसम? ये मैं क्या कर रहा हूँ? बॉल पर चलना चाहोगी? बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। मैं जानता था तुम हाँ ही कहोगी। ठीक है तो चलो। बहुत मजा आएगा। एक लड़के ने मुझसे डेट के लिए पूछा। और क्या लड़का है? हाँ हाँ, जो भी हो, सीधी खड़ी रहो। ओह, मेरी पहली किस। क्या? यस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये क्या हो रहा है? हमारे पास अभी बहुत सारा काम है। क्या बात कर रहे हो? तुम देख नहीं सकती, तुम्हारे पिंपल्स है। कोई बात नहीं, मैं स्क्वीज कर देती हूँ, ये वाला जूसी है। वो, रुको। पर मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें इन्हें पॉप करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है इसके अंदर। जरा देखो, इससे तुम्हारी सारी पिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो काम पर लगे। क्या दर्द होगा? ओह, फनी लग रहा है, ये पक्का काम करेगा? भरोसा रखो, ये पिंपल्स गायब हो जाएंगे, ये बस आखिरी है। वाओ, मेरी स्किन कितनी स्मूथ लग रही है। अभी कैसी लगी? जितना सोचा था उससे थोड़ा मुश्किल है, मुझे ब्लेमिशेस भी हटाने होंगे। एलो प्लांट काम आएगा। मदर नेचर मुझे कभी निराश नहीं करती। ये लीफ मैं लेता हूँ, ये काम आएगी। बस इसमें से जेल निकालना है। निकल आया। इसे बोल में इकट्ठा कर लेते हैं। हमने सारा निकाल लिया। अब इसमें थोड़ा ग्लिटर डालेंगे, ये तुम्हारी स्किन को स्क्रब करेगा और इससे स्पार्कल आएगी। अब इस सबको साथ मिला देते हैं, बस हो ही गया। लगता है ये तैयार है। ये रेसिपी मुझे कभी निराश नहीं करती। तो इंतजार किसका है? मैं ग्लासेस उतार देती हूँ। मैं ये आलू मिक्स तुम्हारे ब्लेमिशेस पर लगा देता हूँ। शुक्र है मैंने काफी सारा बनाया, हमें चाहिए ही। ठंडा है पर मजा आ रहा है, ये फेस मास्क जैसा है। तो अब क्या, सिर्फ इंतजार करूं? इतना काफी है, अब साफ कर देते हैं। मुझे ऐसा सभी बहुत पसंद आता है। कैसा है? वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये हर बार काम करता है। चलो चले। वो, मेरी स्किन चमक रही है, इतना बढ़िया कभी नहीं लगा। पिंपल्स गायब हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। स्नैक टाइम। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। कुछ हुआ है? मैं बॉल पर अच्छा दिखना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ क्या करना है। बस एक मिनट रुको, मैं अपने नूडल्स खत्म कर लूँ। तुम वहाँ क्या कर रही हो? सरप्राइज। क्या, ये तुमने क्या कर दिया? तुम क्लाउन कॉलेज जा रही हो? तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे लगा ये क्लास ही लगेगा। ड्राइंग बोर्ड पर वापस चलो। जरा रुको, मैं मदद कर सकता हूँ, शायद यहाँ पर कुछ हो। आहा, ये काम करेगा। ओलिविया, ये देखो। टेप? सच में? हिला मत। ये थोड़ा अजीब है। टेप को तुम्हारी आंखों के आसपास लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह। ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करेंगे। अब अच्छा लग रहा है। अब मुझे आई शैडो चाहिए, ये ब्लू कलर तुम पर जचेगा, इससे तुम्हारी आंखें उभर कर आएंगी। इसे टेप के कोने पर लगाएंगे। कितनी जल्दी और आसानी से लग गया। अब टेप को निकाल देंगे जैसे बैंडेड निकालते हैं और रिजल्ट्स शानदार है, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। ये कैसा लग रहा है? तुम्हारे वाले से तो बेहतर है, पर इतना भी अच्छा नहीं, मुझे कुछ सोचने दो। ओह, मेरा फोर्क, ये काम आएगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे एक ब्रश चाहिए, ये मेरा मास्टरपीस होगा।
अब लगाते हैं। पोक के ऊपर इस तरह ब्रश चलाएंगे पर सिर्फ बाहर की तरफ। शुक्र है ये कोई देख नहीं रहा। अब फोर्क को निकाल लेंगे। अब ब्रश से मेकअप कर देंगे। गुदगुदी हो रही है। कॉन्टूरिंग करने का ये अच्छा तरीका है। इससे तुम्हारे फीचर्स उभर कर आते हैं। और अब तुम्हारी चीक्स की बारी। ब्रश से फटाफट कर देंगे। और यहाँ भी। जी हाँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जरा देखो। वाव, क्या ये सच में मैं हूँ? मुझे पसंद आया। तुम्हारे हाथ में मेकअप ब्रश आते ही तुम जादूगर बन जाते हो। तो अब क्या करें? अभी पूरा नहीं हुआ, हमें कपड़े बदलने होंगे। तो यहाँ पर क्या है, चलो देखते हैं। तुम ये पहनती हो? ये मेरी ग्रानी ने बुना है, क्लासिक है। मैं देखता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हे, ध्यान से देखो। तो मुझे ये वाला पसंद है। मैं कुछ तो पहन सकती हूँ। हाँ, मुझे मिल गया। ये कैसा रहेगा? ये वाला नहीं। पीछे मुड़ो, मुझे चेंज करना है। तुम्हें पसंद नहीं आया? ठीक है। हाँ, ये चलेगा। जल्दी से बदल लेती हूँ। मुझे बहुत कोजी लग रहा है, पर थोड़ी ऑल्टरेशन करने की जरूरत है। बाजू इसमें से निकाल लेंगे। ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करेंगे। अभी तक ये सही लग रहा है। अब स्लीव लेकर इसे मैं पीछे कमर पर बांध लूंगी। पीछे की तरफ नॉट बांध लेंगे। अब एक चीज बाकी है, मेरे बाल। जी हाँ लियाम, अब तुम देख सकते हो। वो विश्वास नहीं हो रहा। अच्छी लग रही हो। तुम कमाल लग रही हो। क्या ये सच में तुम हो? तुमने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी यहाँ तुम्हारे साथ आऊंगी। मुझे अच्छा लग रहा है। हमें एक और चीज करनी है। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। वो कहते हैं खूब विश्वास नहीं होता कि आज मंडे है। वाह, वो लड़का तो बहुत प्यारा है। हे भगवान, वो मुझे बुला रहा है। हे, रुको, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ और एक के बाद एक कुछ ना कुछ बुरा होता जा रहा है। वो ये क्या है? क्या किसी ने कुछ गिरा दिया? खैर, मुझे मिला तो मेरा हुआ। वैसे भी इस तरफ कोई नहीं देखने वाला। इसमें क्या है? वो लगता है अब चीजें बदलने वाली है। और अभी के लिए तो मुझे सब साफ नजर आ रहा है। देखते हैं अब लोग मुझसे कैसे बर्ताव करते हैं। कोई मुझ पर ध्यान देगा? वाह, मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ दूं? हाँ, बाद में आना। देखो वो वहाँ खड़ा है। उसने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया। देखो वो कितना स्मार्ट है। मुझे उससे बहुत प्यार है। क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ। उसने इसमें देखा भी क्या है? शायद बहुत कुछ। मैं कभी वैसी नहीं देख पाऊंगी। हे बेबी। एव, मुझे बीच में क्यों बैठना पड़ रहा है? कम से कम मेरा प्यार मेरे पास है, पर उसे मैं नजर कहाँ आती हूँ? हाय, कैसी हो? ये मेरी जान के लिए। उसे दे दूँ? हाँ, उसे दे दो। ठीक है। हेर, मैं कौन हूँ? तुम्हारी मेलमैन? इसमें लिखा क्या है? क्या सच में? मैं ये उसे नहीं दूंगी। बदबू आ रही है। लो। क्या? तो उसने मुझे किसेस भेजे हैं? हाँ, तुम भी ले लो। पहले स्कूल बर्दाश्त नहीं होता था। मैं ऐसे रह रहकर थक गई हूँ। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत हॉट हो। मैं इससे थक गई हूँ। क्या मैं उन खूबसूरत लड़कियों की तरह कभी भी दिख पाऊंगी जिनके बड़े बड़े लिप्स होते हैं? शायद अब मैं खुद ही कुछ कर सकती हूँ। मेरे बालों को थोड़ी वॉल्यूम की जरूरत है। लिपस्टिक से शुरू करते हैं। मैं बहुत सारी लगाऊंगी। शानदार। अब मैं अपने प्रिंट्स लगाती हूँ। क्या मेरे लिप्स इतने पतले हैं? मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। बकवास लिपस्टिक। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
बाल खुले संभाल नहीं पाऊंगी। हे, एक मिनट रुको, शायद मैं इसे अपने लिप्स पर इस्तेमाल कर सकती हूँ। ब्लैक पम्प करना होगा। हाँ, अभी से अच्छा लगने लगा है और अब हम इंतजार करेंगे। हाँ, इतना काफी है। ओह, ये हुई ना बात, एकदम थिक और जूसी है। मेरे पिकार से पतले लिप्स से तो काफी बेहतर है। परफेक्ट, अब मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। ओह, तुम दोनों फिर से आ गए। इतना हंसने की बात क्या है, पर छोड़ो, मैं भी ये कर सकती हूँ। हाँ, ये क्या है? वो उसने मुझे किस भेजी? फिर मिलेंगे बेब। वाह, क्या वो नई है? हे, ये मुझे दो। नहीं बेबी, आई लव यू। हाँ हाँ, मैं साथ में बाहर आकर बहुत खुश हूँ। वाह, शुक्रिया। तो मुझे किस करो? ठीक है। हाँ? ये क्या था? वो आ गया? अरे यार, मैं ज्यादा सो गई। मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा? गो! मुझे जल्दी करना होगा। ओ नहीं, मेरी स्किन कितनी बुरी लग रही है। याइक्स! हाँ, शांत हो जाओ, मैं ठीक कर सकती हूँ। मुझे बस आई पैचेस लगाने हैं। क्या? ठंडे पानी से मुंह धो लेती हूँ। बहुत ही ठंडा है। क्या? हे, इसे ट्राई करते हैं, इससे पफिनेस चली जाएगी। आउच, अभी भी वैसा ही लग रहा है। हेलो। हाँ, दरवाजे पर कोई है? ठीक है, मुझे नहीं पता था कोई आने वाला है। जी हाँ, जाओ। हाँ हाँ, मेरे साथ साथ आओ, तुम यहाँ इंतजार कर सकते हो। आराम से बैठो। अरे यार, कुछ काम क्यों नहीं कर रहा? तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये कूल लग रहे हैं ना? तुम अंदर कैसे आ गए? उसने मुझे अभी तक नहीं देखा, बस मुझे कुछ और देर चाहिए। हनी, तुम किस चीज से इतना डर रही हो? मुझे अकेला छोड़ दो मॉम। आजकल के बच्चे भी ना। क्या हुआ है? मेरा चेहरा मॉम। ओह, मेरे साथ भी ऐसा होता था, पर मैं जानती हूँ क्या करना चाहिए। मैं और मेरी सहेलियाँ अक्सर ये किया करते थे। तुम्हें बस एक खीरा चाहिए और इसे इस तरह स्लाइस करेंगे। देखा, जब ये पूरा हो जाए तो इसके अंदर कॉटन स्वॉब्स डालेंगे। इसके दो हिस्से होंगे दोनों आंखों के लिए। जब ये इसे अच्छे से सोख ले तो हम इसे पफिनेस ठीक करने के लिए लगा सकते हैं। अब रोना बंद करो। क्या तुम ये इस्तेमाल कर सकती हो हनी? आई पैचेस? वाह, ये तो एकदम ठंडे हैं। अब फ्रिज से बाहर आ जाओ। मुझे अभी से बहुत बेहतर लग रहा है। लगता है इतना समय काफी है। और वाह, ये तो वापस नॉर्मल हो गए। हाँ, चलो अब जाओ। माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, पर इंतजार करने का फायदा तो हुआ ना। वाह, खुशबू कितनी अच्छी है। उम्मीद है मैंने काफी बनाया हो। बहुत अच्छा किया, मेरा मास्टरपीस। ओह हाँ, हॉट लग रही हो। बंद करूं या खोले रखूं? वो हेडू कितना अच्छा लग रहा है। ग्रैंडमा, मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई। पो बियर, ग्रैंडमा मैं पार्टी में जा रही हूँ, बाद में खाऊंगी, ठीक है? माफ करना। ये कैसी पार्टी है? तुम सच में जा रही हो? हाँ, ऐसे ज्यादा बेहतर है। ग्रैंडमा, प्लीज ये मत करो। मैं ये ठीक कर देती हूँ। बस करो, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। ये बच्चे बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मैं
मैंने किचन में इतनी मेहनत की किसके लिए? पार्टी के लिए? ओह नहीं, वो अपना पर्स भूल गई। वो इसके बिना नहीं जा सकती। ओह डियर, लगता है मैं सही जगह पर आई हूँ। हाँ, वो रही। ओह रुको, तुम्हारा बैग। अरे यार, ये लातें अब पहले की तरह नहीं चलती। हेलो, मेरी पोती अपना बैग भूल गई है। मैं उसे जाकर ये दे दूँ। अंदर सिर्फ बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, पर ये बहुत जरूरी है। एक शीशा, ये किस लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा रिंकल्स दिखाना चाह रही हो? तो फिर ठीक है। कैसे अजीब लोग होते हैं। मैं तो बस मदद कर रही थी। रुको, इसके अंदर पक्का मेकअप होगा। अब मैं देखती हूँ। ओह, ये क्या चीज है? खतरनाक लगती है। देखते हैं। पर मुझे तो अच्छा लग रहा है। मेरी स्किन कितनी स्मूथ होती जा रही है। वाह, बहुत ही मजेदार। मैं अब अच्छी लग रही हूँ। मैं ये रख रही हूँ। ओह, तो ये क्या चीज है? एक स्वेटशर्ट। हे, क्या फिट आई है। यहाँ पर और कुछ भी है? ओह, रुक जाओ, जानी पहचानी से लगती हो। मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा है? ओह, तो चलो अंदर जाओ। वुहू, हनी बेयर। क्यों? ग्रैंडमा? जी हाँ, तुम अपना पर्स भूल गई। और मैं आ ही गई हूँ, तो मैंने सोचा ये ले आऊं। ग्रैंडमा, मैं इनका क्या करूंगी? वैसे इससे तो मैं पॉपुलर हो रही हूँ। देखो, मैं बीट पर पोछा मार सकती हूँ। ब्लू ग्रीन को लेकर कौन सा फोर लेटर वर्ड होगा? टीयू। टाइम हो गया, लंच शुरू हो गया है। और क्या इन लड़कों को भूख लगी है? हे भगवान, ये यही आ रही है। रुको, इतनी जल्दी नहीं। चाहे आप जैसे भी स्टूडेंट हो, लंच टाइम तो हर स्टूडेंट के मन पसंद हिस्सों में से एक है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? शायद। मुझे डर लग रहा है। ओह नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ सबके लिए खाना है। अरे हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुमने इससे पहले कभी फ्रूट खाया है? ये काफी स्वादिष्ट है, थोड़ा सा फजी। छिलके में ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कितना अच्छा है। क्या? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस अपना सीरियल खाने वाली हूँ। फोकस में और मजा डालेगी। हेलो बबल्स। हाँ? देखो क्या कर रही है। सब हो गया, बॉन एपेटिट। पहली बाइट। क्या? कुछ भी नहीं। अजीब लड़की, क्या फर्क पड़ता है। ये फ्राइज कितने अच्छे हैं ना। देखो जेक, वो कितना प्यारा है। उसके बाल कितने शानदार हैं। कैसी हो लेडीज? हे नायोमी। हाय। हे, तो तुमने कल रात मूवी देखी? हाँ, हम साथ में कितने प्यारे लगेंगे। स्केटल्स खाओगी मेरी जान। ये लो। आई लव यू जे। हे, सपने देखने में क्या जाता है ना? जो भी है, ये वहाँ क्या कर रही है? और मैं ये सब देखूं? नहीं नहीं नहीं, किस्मत करो। हे भगवान, वो यही कर रही है। उसे क्या हुआ है? वो प्राइस की वजह से। तो हम कहाँ थे? मैं थर्ड व्हील ही बनकर रहूंगी, ये गलत बात है। फ्राइड चिकन से बेहतर और क्या हो सकता है? हे दोस्त, कैसी हो? मुझे अपने गोल वेट तक पहुंचना है, तो मैं लेटस खाऊंगी। ये फ्राइड चिकन कमाल का लग रहा है।
और वो प्राइस दिखा रही है। कैसा ही स्वाद है, काश मैं भी कुछ खा सकती। हे भगवान, मेरे मुंह से पानी आ रहा है। ओह, तुम्हें ये चाहिए? नहीं, मुझे ट्रैक पर रहना है। ओह, समझ गई। शुक्र है मैं डाइट पर नहीं हूँ। कितनी बुरी बात है, अगर मैं उसे ऐसे देखूंगी तो हो सकता है लेटस का भी वही स्वाद आए। थोड़ा सा ही बाकी है, मेरी तो लाल टपक रही है। ये क्या, नायोमी ठीक तो है? ये क्या कर रही है? वो नहीं, वो पी मत लेना, मुझे उल्टी आ रही है। हाँ, जाना होगा। उसे पता ही नहीं चला, तो कोई बात नहीं। इसमें इतना सारा कैसे आ गया? आप सब ध्यान दे रहे हैं ना? तुम सब खा क्यों रहे हो? ये यहाँ नहीं चलेगा, इसे बकेट में रखो। ठीक है, और ये लो, सब ले लो। अब तुम खुश हो? इस बकेट में डालो मिसी, तुम सबको अपना सबक मिल गया होगा। अब वापस काम पर लगो। जैसे क्लास इतनी बुरी नहीं थी कि इसने और कर दी। हे, मैं आ सकती हूँ? खैर, तुम आई तो सही। हे, भूख लगी है? अरे वाह, तुम्हारे पास इतना सामान है, मैं जरूर खाऊंगी। तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा। ये क्या है? मुझे भी स्नैक्स चाहिए। वहाँ क्या चल रहा है? ओह नहीं, तुम दोबारा स्नैक्स बेच रही हो, मैं जानती थी। अभी क्या भी प्रिंसिपल के पास चलो और पहले तुम सारा सामान दो। जैसा आप कहे। ये तो कमाल है, एक सौदा हो जाए। उनके पास कितने पैसे हैं? रुको, ये सारे ही ले लो। मेरा दिन बन गया, शुक्रिया। मुझे बैग लाना चाहिए था। जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे कॉल कर देना। नायोमी, कैंडी डीलर। ठीक है, चलो अब जाओ। देखो, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ये कैसे हो गया? हाँ, हर एंगल से बुरा। हे, तुमने मेरे चेहरे पर मारा। ओह, माफ करना। चिप्स खाओगी? अभी भी हम इसे खा सकते हैं। हे, तुम मानोगे नहीं केविन ने मुझे क्या कहा। हाँ, आखिरकार उसने मुझे प्रपोज किया। मेरी गलती है, ये तुम पर गिरा। हाँ, काफी। नैपकिन, टॉवल ज्यादा बेहतर रहता। मुझे सुबह से बर्गर खाने का मन कर रहा था। तुम्हारा बर्गर फट गया? तुम्हारे साथ ही ये क्यों होता है? कोई है तो नहीं? मैं आराम से पी सकती हूँ। माफ करना, मैं लेट हो गई। क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। रुको, सोडा? नहीं, तुम्हें नहीं पीना चाहेंगे। तुम मत करो, मुझे ही करने दो। ये ले लो। चलो, कुछ तो हुआ, कम से कम अभी के लिए। मैं
जी हाँ, हमने लिया एक एलो लीफ और एक रोलर। रोलर से हम इसे स्क्वीज करेंगे और जेल बाहर आएगा। अब वो इस मस्कारा ब्रश पर लगा लेंगे। ये लैशेस पर लगाने के लिए तैयार है। ये देखो, इससे मेरी लैशेस और ज्यादा डार्क लग रही है। ये एक नेचुरल मस्कारा है और हम इसे एक मस्कारा बॉटल में रख सकते हैं। ओह, मेरे प्लांट बेबीज कितने प्यारे लग रहे हैं। फर्न, तुम बहुत खूबसूरत हो। बाकियों को मत बताना, पर तुम मेरे मन पसंद हो। डॉली, आज तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारा ग्लिटर मेकअप कितना सुंदर है। वाओ, मैं तुम्हारा लेकर अपने चेहरे पर लगा लूं? दोबारा ट्राई करती हूँ। मैं इस तरह लगाऊंगी। क्या ये लग गया? नहीं लगा, मैं उदास हूँ। ओह हनी, रो मत। मुझे भी डॉली जैसे चीक्स चाहिए। समझ गया। खैर, एक सेकंड रुको, लगता है मेरे पास कुछ है। जी हाँ, ये रही एक लीफ और एक खाली जार। हम एलो जल को इस जार में स्क्वीज करेंगे। वाह, देखो कितना सारा निकल रहा है। काफी बढ़िया लीफ थी। और अब वो वाला गोल्ड ग्लिटर डालेंगे जो उसे चाहिए। ओह, कितना चमकदार है। उसे बहुत पसंद आएगा। अब हमें ये पॉप्सिकल स्टिक चाहिए। इसे जार में डालेंगे और फिर ग्लिटर से मिक्स करेंगे। इसे मिलाने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, इतना काफी होगा। तो चलो, ग्लिटर जेल बन चुका है। हनी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। टाडा! वाह, इतना सारा ग्लिटर। मैं डॉली की तरह दिख सकती हूँ। मैं इस पंप को दबाऊं। ओह, देखो, अब मेरे पास भी ग्लिटर है। मैं इसे चीक्स पर लगाऊंगी। ये, अब मैं डॉली से भी ज्यादा सुंदर हूँ। इस वाले चीक पर और लगाऊंगी और मेरी नोज पर भी। ये बहुत अच्छा है। थैंक यू। देखो डॉली, ग्रैंडपा। क्या? ओह, तुम चाहती हो मैं भी लगाऊं? खैर, ठीक है। ये, ग्रैंडपा ग्लिटर्स। अब हम तीनों ने ये लगाया है। आप, मैं और डॉली। शुक्रिया एलो। हे भगवान, मैं थक गया हूँ, पर मेरे पास अभी बहुत काम बचा है। शुक्र है यहाँ कॉफी है। यार, मैं जरा एक झपकी ले लूँ। ये स्कूल के लिए मेकअप करने का समय हो गया। ये रहा सारा सामान और अब यहाँ शीशा रखूंगी। हाँ, हे डैडी, उठो। वाह, मैं बहुत थक गया था। क्या आपके चेहरे पर कुछ लगा है? जरा देखो। ओह, ये क्या है? जरा मैं इसे निकालूं। ओह नहीं, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। मैं भयानक लग रहा हूँ। खैर, ये काम आ सकता है? नहीं। ओह, शायद ये। रुको, मैं जानती हूँ क्या काम आएगा। इधर आओ एलो प्लांट। मैं चाहती हूँ तुम डैडी की मदद करो। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल। पहले हमें लीफ को खोलना होगा। इसमें से जितना भी जेल होगा वो सारा ब्लेंडर में चला जाएगा। अब हमें थोड़ा पानी भी चाहिए। इतना काफी है। अब मैं लीफ निकाल लेती हूँ। अब पानी और जेल को ब्लेंड कर लेंगे। लो, अच्छा है। मुझे एक कंटेनर चाहिए। मैं इस होल से इसके अंदर डाल देती हूँ। बस इतना ही, इसे ज्यादा फिल नहीं करना। ठीक है, अब हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं बस कुछ मिनटों के लिए, ताकि ये जम जाए। मैं आज और क्या करूं? ओह, इतना समय काफी है। अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आ रही हूँ डैडी। देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया, एक एलो जेल आइसिकल। हाँ, ये लो, आपको बस इसे अपनी आंखों पर रब करना है। करते रहो, रुको मत, ये काम करेगा। मैं जानती हूँ, आपने देखा, इससे डार्क सर्कल गायब हो गए। वाह, मैं इसे दूसरी आँख पर भी इस्तेमाल करूँगा। ये त्वचा पर भी बहुत ठंडा लगता है। मुझे पसंद आया। तुमने इतनी आसानी से कैसे बना लिया? तुमने आज मुझे बचा लिया किडो। मुझे चलना होगा। हे, माफ करना, मैं लेट हूँ। कैसा चल रहा है? बकवास, मैं कब से नहीं सोया। कितना भयानक लग रहा हूँ। ओह, तो तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। ये मेरी बेटी ने बनाया है। लो, मैं दिखाता हूँ। तुम्हें बस ये आँखों के नीचे रब करना है। अरे वाह, मुझे अच्छा लग रहा है। इसके लिए शुक्रिया। अब मैं काम कर सकता हूँ। योर वेलकम। हाँ प्लांट, तुम जरा यहाँ पर रुको, मैं तुम्हें भी थोड़ा पानी देती हूँ। हाँ, ये वैक्स स्ट्रिप कहाँ से आई? मुझे मत देखो, मैं अपनी लेग्स वैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। ओह, काफी दर्द हो रहा होगा।
हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। रुको, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। आलो, मैं जरा ये लीफ ले लूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे। बस हमें एक ही चाहिए होगा। लो, इतना काफी है। हाँ, तुम्हें बस एक आलो लीफ की जरूरत है। रुको, क्या? ये बस एक लीफ है। जरा इसे थोड़ा स्क्वीज करो तो तुम समझ जाओगे। थोड़ा स्क्वीज? हाँ। ओह वाह, इतना सारा जेल आया। तो मुझे इसे अपनी रेड स्किन पर लगाना है? हाँ, बस इसे रब करो, इससे तुम्हें काफी बेहतर महसूस होगा। देखा कैसा रहा, तुम्हारी लात बिल्कुल ठीक हो गई, पर बाल अभी भी है। अब हम जा रहे हैं। रुको, मुझे इसमें भी मदद चाहिए। बहुत दर्द होने वाला है। हे भगवान, ठीक है। नम नम नम, तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है मिस्टर वाटरमेलन। ओह, ओह, मैं थक गई हूँ। हे ब्रो। हाय, मैं खेल रहा हूँ और ओह, क्या मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? ओह नहीं नहीं नहीं, मेरे चेहरे को तो देखो, कितना बुरा लग रहा है। ओह, मेरा शीशा। तुम मॉन्स्टर लग रही हो, ये लो। ओह, देखो तुमने क्या किया, तुम ये कैसे कर सकते हो? माफ कर दो, तुमने मुझे डरा दिया था, मैं भाग रहा हूँ। सच में इतना गन मचाकर वो भाग निकला, मैं नहीं चाहती थी मेरी सुबह ऐसी हो। एक सेकंड रुको, ये तो एक एलो है, इससे मेरी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है। ठीक है, पहले इस लीफ को आधा काटेंगे और अब इसके बीच का जेल निकाल देंगे। ये गया ब्लेंडर में, अब इसे ब्लेंड करेंगे। देखो कैसे मिक्स हो रहा है, और अब ये काफी फ्लॉफी हो गया है। जी हाँ, इतना काफी होगा। अब हम इसे एक बोल में डालेंगे। ये रहा एक मास्क, हम इसे मिक्सचर में डालेंगे, जल्दी से मिला देंगे और अभी तैयार है। ये देखो, मास्क इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अब मैं इसे चेहरे पर लगा लेती हूँ। ओह, ये बढ़िया है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाय, मैं वापस आ गया, तुम अभी भी मॉन्स्टर हो। हे भगवान, कैसे क्या हो जाता है, अजीब लड़का। पर देखो, मेरी त्वचा फिर से मुलायम हो गई। मैं इसे इसके चेहरे पर लगा देती हूँ। भागो। कितना बढ़िया मीम है। अरे नहीं, वो डेट पर जाना चाहती है। ओ नहीं, अभी अभी मुझे अपने बाल देख लेने चाहिए। रुको, ये क्या हुआ, इन ब्लैक हेड्स को देखो, मैं ऐसे तो डेट पर नहीं जा सकता। चलो भी पोर्स से निकल जाओ, मुझे कुछ और चाहिए होगा। नहीं, यही रुक जाओ मिस्टर, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? ओहो मॉम, पर मेरे चेहरे को देखो, आज मेरी डेट है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये हैमर मदद करेगा तो तुम पागल हो। ये रहा एक बोल और एक आलू, पहले इसे इसमें मैश कर देंगे और अब हमें चाहिए एक आलू का लीव। इन पोटैटोस पर हम बहुत सारा जेल डालेंगे, अब इस चेक से इसे मिक्स कर लेंगे। ये एकदम कूपी और कोई बन गया, ये कंसिस्टेंसी ठीक है। अब ऐसे ही रहो, मैं तुम्हारे पोर्स पर लगा देती हूँ और फिर इसे ऐसे ही रखेंगे। लो, सारे ब्लैक हेड्स गए। हे, तुम डेट के लिए तैयार हो? मुझे लगता है मुझे कहीं जाना है। पर हुआ क्या है, मैंने सारे ब्लैक हेड्स हटा लिए थे। क्या आपने अपनी त्वचा के लिए कभी आलो इस्तेमाल किया है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मॉम ने कहा जितना मन चाहे उतना ले लो। वो कैसे हो? हे भगवान, कितना प्यारा है। मैं यहीं पर हूँ। हटो यहाँ से। सच में ये लड़का? मैं कब से ऑनलाइन फ्लोटिंग वीडियोस देख रही हूँ। वो किसी ने खिड़की खोल दी क्या? नहीं पागल, ये तो मैं हूँ। अपनी पल के झपकाना बंद करो। सच में लिजी, तुम्हें हटा देनी चाहिए, ये कोई तूफान है। ये काम कर रहा है। तुमने कैसे किया, कमाल है। मैं जा रहा हूँ। वो कहाँ जा रहा है? कोई बात नहीं, पर वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए।
मैंने पता नहीं ऐसा क्यों किया, मैं शर्मिंदा हूँ। वो बहुत कूल था। जैसे तुम्हारे पास सुपर पावर्स हो, तुम विंड गर्ल हो। तुम्हारे दांतों पर कुछ लगा है। ओह, ये लंच की वजह से होगा। अब बेहतर है, कोशिश अच्छी थी पर नहीं। मैं जानता हूँ क्या करना है, हमें बस ऑनलाइन शॉपिंग करनी होगी। वाह, काफी जल्दी आ गया। ओह, मजेदार है, तुमने मुझे कुछ दिलाया है। एक डोनट, ट्राई करते हैं, इसे लगाते हैं। ओह, गुदगुदी हुई पर मुझे पसंद आया। अब मेरे दांत कैसे लग रहे हैं? वाह, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। ओह, वो जेफ है। अब मुझे उड़ा मत देना। ओह, गलत बात है, उसे भूल जाओ। मैं क्या गलत कर रही हूँ? लिजी, रुको, मेरी बात सुनो। तुम जैसी हो परफेक्ट हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। जरा मुझे देखो, मेरे इतने पिंपल्स हैं। कितनी बुरी लग रही हूँ, मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं बन पाएगा। मुझे उसे ऐसे देखना पसंद नहीं है। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत हुआ, मैं इसे फोड़ दूंगी। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। लियाम, माफ करना, मेरे पास एक आइडिया है। अब क्या है? तुम्हें जो भी स्क्वीज करना है उसके लिए ये लो, तुम इन पिंपल्स को पॉप कर सकती हो। ओह, मजेदार है, मैं इसे स्क्वीज करती हूँ। एओ, बहुत गंदा है पर मजा आ रहा है। ओह, बहुत बड़ा था, मैं रुक नहीं पा रही। और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, जरा अपने ग्लासेस उतार दो और एक पिंपल पैच निकालता हूँ और पिंपल को कवर कर देंगे, इससे जल्दी हील होंगे। और ये ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब तुम इसे मेकअप से छिपा सकती हो। अब हम इंतजार करेंगे, इतनी देर काफी है, पिंपल गायब हो गए जैसे जादू हो। अब हमें ये नहीं चाहिए, जरा देखो। वो क्या, ये मैं हूँ? मेरी त्वचा चमक रही है। शुक्रिया लियाम, मुझे अपना मेकअप करना है। हाँ लिजी, किसी ने देखा तो नहीं, ना ही देखा हो। मुझे अपना मेकअप करना है, मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ। ब्यूटी कंसल्टेंट बनकर भूख लग जाती है, हालांकि मैं और नहीं खा सकता। तुम तैयार हो? खुद ही देख लो। क्या, ये तुमने क्या किया? चिल्लाना बंद करो। मैं डर गया था। इतना बुरा है क्या? मुझे तो पसंद आया। ये मुझे सपने में आकर अब डराएगा। रुको, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम मजाक कर रहे हो ना, एक गंदा फोर्क, इसे मेकअप के लिए इस्तेमाल करो। ठीक है, थोड़ा अजीब है। लाइंस के बीच में मैं ब्रश से फाउंडेशन लगाऊंगी, इससे एक पतली सी लाइन बनेगी। अब फाउंडेशन का एक लाइटर शेड इस्तेमाल करेंगे, अभी तो ये ज्यादा दिख नहीं रहा। अब इसे ब्लेंड करेंगे, पहले नोज की साइड से शुरू करेंगे, ये काफी नेचुरल लग रहा है। आई शेडो के लिए एक चम्मच लेंगे, इसे आँख के ऊपर रखकर ब्रश से मेकअप लगाएंगे। डार्क लाइन बनाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे। वाह, कितना अलग लग रहा है, मुझे पसंद आया। मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, तुम खूबसूरत हो। मैं यही चाहती थी, मुझे भी पसंद आया। लियाम, तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम मुझे बहुत घूर रहे हो। ओह हाँ, ये मुझे दे दो, शायद मैंने अच्छा किया। तुमने कुछ कहा? एक सेल्फी ले लेती हूँ। नहीं, अच्छी नहीं है, दूसरा पोस्ट ट्राई करें, जरा देखते हैं। मेरे लिप्स हमेशा से इतने पतले थे, काश ये थोड़े से बड़े होते। ये हो सकते हैं, थोड़ा एडिटिंग का कमाल है। इतना काफी है, जरा देखते हैं। याइक्स, इसमें ज्यादा लाइक्स नहीं आएंगे, मुझे कुछ और सोचना होगा। पर क्या? ओह, मैं वैक्यूम इस्तेमाल कर सकती हूँ, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारी प्लान की बारी, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। होस को लिप्स के पास रखेंगे, स्विच ऑन करेंगे। वाह, ये तो बहुत तेज है। मैं फंस गई, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इसे हटाओ। मजा ही आ गया। लियाम, कुछ करो। अब मैं आजाद हूँ, मेरे बेचारे लिप्स बहुत जल रहे हैं। ये कोई कॉमेडी शो से कम नहीं था। ठीक है, मैं मदद करता हूँ, चलो उठ जाओ। तुम क्या सोच रही थी? वैक्यूम को छोड़ दो, ये ट्राई करो।
और इसी बहाने मैं अपने बाल भी खोल लेता हूँ। मुझे शैम्पू कमर्शियल में होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं। मैं क्या सोच रही थी, तुम्हारे इस लिप प्रॉब्लम का हल मेरा हेयर बैंड है। सीधी बैठी रहो। आओ लियाम, क्या हो रहा है? हो गया? ये काफी अलग है। ये पक्का काम करेगा? शायद इतना काफी है। अब अच्छी लग रही हूँ। अब मैं लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ। वाह, मुझे यही तो चाहिए था। और मुझे भी यही चाहिए था। खैर भूल जाओ मैंने क्या कहा। चलो सेल्फी दोबारा ले। मैंने ये ट्राई किया था, मेरे तो नील पड़ गया। और फिर मैंने कहा, नहीं टीचर, आप सही नहीं है। वो बहुत गुस्सा हो गई। वाह, और इस कहानी से क्या सीख मिली? कि 5 दिन की डिटेंशन बहुत बोरिंग होती है। क्या तुमने सुना? वो प्रॉम। हे भगवान, बहुत मजा आएगा। मैं क्या पहनूं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये तुम्हारी ग्रानी पर अच्छी लगेगी। सच में मुझे पसंद आई थी। हा? हा? नहीं, ये स्वेटर भी अच्छा है। अब कुछ मत कहना, कपड़े खत्म होते जा रहे हैं। लिजी रुको, मुझे पहनने को कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई? जरा रुको, रुक जाओ। शायद हम ये ट्राउजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, हम मेरे लिए कपड़े ढूंढ रहे हैं। जरा देखो तो, ये कलर तुम पर सूट नहीं करता। वो मजा आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, बस हो ही गया। मैं इसे ऊपर तक चढ़ा लूंगा। और फिर क्या? एक लेग से अपना हाथ निकालेंगे और एक ब्रांड न्यू ड्रेस तैयार है। अरे वाह, तुम तो फैशन गुरु हो। बस मुझे लेग शेप करनी है और ये आउटफिट जबरदस्त लगेगी। लियाम, माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया। तो मैं ये ट्राई कर सकती हूँ? सच में? ये ड्रेस उतारो, दोनों लातों को एक ही जगह पर डालकर और इसमें से अपनी आर्म निकालनी है इस तरह। वाह शानदार। कुछ ठीक नहीं है। ओ समझ गई, मैं अपनी आर्म निकाल लेती हूँ और इसे अपनी वेस्ट पर रैप कर लेती हूँ। ये हुई ना बात। वाह, किसने सोचा था कि ऐसी दिखेगी। बहुत प्यारी है। वाह, मैं इम्प्रेस्ड हूँ लिजी, तुम खूबसूरत लग रही हो। हाँ मैं जानती हूँ, तुम प्रॉम के लिए तैयार ही हो, लेकिन तुम्हें शूज भी चाहिए। बिना कुछ पहने अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कुछ सोचो। ये ग्लिटर है, ये बहुत अच्छा दिखेगा। ओ, तुम्हारी सोच तो कमाल की है। लेग्स के आसपास टेप लगाएंगे, इससे एक बॉर्डर बन जाएगा। अब मैं अपने पैरों पर ग्लिटर डालूंगी, कोई जगह नहीं छोड़नी। अब लेग पर ब्रश से लगा देंगे, सिर्फ टेप तक। जब ये हो जाए तो टेप निकाल देंगे। ये उन बोरिंग पुरानी सॉक्स से तो काफी बेहतर है। कितना स्टाइलिश लग रहा है। तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाती। रुको, एक आखिरी चीज, तुम्हें बाल खोल लेने चाहिए। जैसा तुम कहो। अब बेहतर है? वाह, तुम क्या पहनने वाले हो? मैं? हाँ, तुम टी शर्ट नहीं पहन सकते। हे भगवान, ये ठीक लग रहा है? मैं श्योर नहीं हूँ, बस ऐसे ही पहन लिया। बहुत अच्छा है। तो हम चलें? तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी चलूंगी। आज की रात बहुत बढ़िया होगी। हाँ उम्मीद तो है, मैं तुम्हें डांस करते हुए देखना चाहती हूँ। क्या? मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, अभी आता हूँ। लिजी, वाह तुम तो हॉट हो। अरे वाह, ये वही लड़का है, तुम अच्छी लग रही हो। हम कहीं चल सकते हैं या डांस करें, क्या कहती हो? तुम खुद ही देख लो। तुम कहीं नहीं जा रहे, मेरे बिना तो नहीं। सच में? तुम्हारा मतलब? मैं लियाम के साथ आई हूँ और हम डांस करेंगे और साथ रहेंगे। वाह, मेरा मतलब हाँ, मैं लिजी के साथ आया हूँ, माफ करना ब्रो। फिर मिलते हैं जेफ। शर्मिंदा कर दिया। कूल लग रहा है ना? ये मेरी नई ऑसम लुक है, या हो सकता है ये सिर्फ मेकअप का कमाल हो। आपकी स्किन उतरती है या सिर्फ मेरी ही? डरो मत, दर्द नहीं होता, पर मेरा चेहरा पूरा बदल गया। जितना समय इसे लगाने में लगा, इसे उतारना उतना ही मजेदार है। खैर आधा हो गया, अब लिप्स और आईज से निकाल देंगे। टाटा, ये मैं ही हूँ। वाओ, ये तो ट्विस्ट है। हेलो, जो भी है। हेलो, आ जाओ,
तुम जादू करती हो ना? हाँ, क्या मेरी मदद कर दोगी? एक पार्टी सर्पियों में कौन से जा सकते हैं? देखते हैं। तुम पैदा तो इंसान हुई थी पर अब तुम्हारा एक हॉर्न भी है। कूल, रुको, ये असली तो नहीं लग रहा। ठीक है, यूनिकॉर्नियस टर्नियस। रुको, मेरे सर को क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा है। कितनी नकचड़ी है। लो, ये लो। अब इसमें ऐसा क्या है? शांत हो जाओ, शायद तुम्हें मेकअप मैजिक की जरूरत है। अब तुम समझी? ये हुई ना बात। सबसे पहले हमें टेक्सचर पर काम करना होगा, पहले फोरहेड पर। हाँ, हम यहाँ हॉर्न बनाएंगे दोस्तों। यहाँ होगा जादू, ये इसके ऊपर टिक जाएगा। और अब बाकी के लुक की बारी। ब्लू आईज अच्छी दिखेंगी। आराम से, आराम से। परफेक्ट। अब पिंक की बारी। इसे अपने ब्राउ के नीचे ब्रश से बनाएं, बाकी का इसमें फिल कर दें। बस ये मैच होना चाहिए। पिंक कॉन्टूरिंग अच्छी रहेगी। अच्छे से ब्लेंड करें। देखा ये कैसा लग रहा है? लिप्स मत भूलना, इसमें ब्लू ह्यू अच्छा लगेगा। देखा? वाह, अब मैं बन गई एक यूनिकॉर्न गॉडेस। छोटी छोटी डिटेल्स का कमाल है और हर छोटी स्पार्कल का। चलो चले। मेकअप मैजिक ने काम किया। ये बस एक तोहफा था। चलो अब मस्ती करो। बाय टूडल्स। आखिरकार मैं अपनी नई बुक पढ़ सकती हूँ। मेरा क्या हो गया? और मैं अब बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। ओह नहीं, चीखा रही है। क्या ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ तो गलत है, मुझे शीशा चाहिए। वो मेरा चेहरा झूठ से ढक गया। शानदार, मुझे पसंद आया। अब चलकर सबको दिखाती हूँ। चलो टाशा, बाहर आ जाओ। आज तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हे, देखो उसके पास क्या है। अरे वाह, तुम्हारी डॉल खूबसूरत है। इसके बाल बहुत अच्छे हैं। नाम क्या है? ओ, हर किसी को उसकी डॉल पसंद आ रही है। डाला, लगता है तुम्हारे बालों का कुछ करना होगा। रुको, मैं जानती हूँ हम क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं डॉल को तो नहीं बदल सकती पर मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। पहले मैं ग्रीन कॉन्टैक्ट्स लगाती हूँ और अब मेकअप। आईलिड्स पर हम ये व्हाइट पेंसिल लगाएंगे, इसे बस डैब करेंगे और फिर इस ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। अब हमें ये ब्राइट पिंक चाहिए। मैं इसे अपने लिड्स के बाहर की तरफ लगाऊंगी। और अब ग्लिटर की बारी। ये सबसे अच्छा है। बस व्हाइट के ऊपर थोड़ा सा हम कैट आई के लिए लाइनर इस्तेमाल करेंगे। नीचे का ऐसा भूल मत जाना। थोड़ा सा और पिंक और हाँ थोड़ा ग्लिटर भी। तो चलो, आंखें पूरी हुई। अब ब्लेंडर ले लेते हैं। हाँ, ब्लेंडर का काम पूरा हुआ। ब्रश से थोड़ा ब्लश लगा लेंगे और फिर आईब्रोज की तरफ बढ़ते हैं। इनकी शेप बन गई। अब थोड़ा और कलर लगाएंगे और अब लिप्स पर। आखिरी स्टेप है फॉल्स लैशेस। तुम्हें लगता है अभी हो गया? नहीं, देखा मेरे लिप्स पर दो हाईलाइट की लाइंस। और अब हाँ बिल्कुल, बाल भी तो चाहिए। बाल सेट हो गए। थोड़ा और मेकअप कर लेते हैं। ब्राउन कलर से अपनी हेयर लाइन बनाएंगे और थोड़ी व्हाइट लाइंस भी। हो गया। और देखा जाए तो मैं कमाल के लग रही हूँ। ये कितनी प्यारी है। और हे भगवान, हाँ बिल्कुल, मैं वापस आ गई। ओह वाह वाह, ऐसे देखो तुम बिल्कुल उसकी डॉल जैसी लग रही हो। और उससे भी बेहतर। सॉरी टाशा, बाद में मिलते हैं। देखो मैं डॉल डांस भी कर सकती हूँ। जी हाँ, मेरा आइसक्रीम टेबल एकदम तैयार है। जरा इसे तो देखो। हाँ, क्या वो मुझे घूर रही है? हे आइसक्रीम, आओ और ले जाओ। हाँ, ये रहा आइसक्रीम कोन। बहुत बहुत शुक्रिया, मजे करो। आइसक्रीम एकदम ताजी और स्वादिष्ट, सिर्फ आज के लिए। हाँ, मेरी आइसक्रीम तो हिट हो गई। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए भी। क्या उसने अभी से इतने पैसे कमा भी लिए? हे, यहाँ पर आइसक्रीम है और ये बहुत स्वादिष्ट है। कोई भी मेरी आइसक्रीम क्यों नहीं खरीद रहा? ये बहुत स्वादिष्ट है।
रुको, शायद मेरी लुक की वजह से। हाँ, पहले आई कलर से शुरू करती हूँ। मैं इसे ब्लू रखूंगी। और अब मेरे आइसक्रीम कोन्स, पहले कोन को ट्रेस करेंगे, फिर पेपर नैपकिन और लिक्विड लेटेक्स से पेपर को क्रम्बल करके लेटेक्स में डिप करेंगे। जो सर्कल हमने बनाया था इसके ऊपर लगाएंगे। इसे पूरे सर्कल पर लगाना होगा। तो चलो, हो गया। अब कोन वापस लेंगे और इस पूरी जगह पर हम कोन लगा देंगे। जी हाँ, अब एक व्हाइट पेंसिल से अपने चेहरे पर लाइन ट्रेस करेंगे नीचे लिप्स और चिन तक। हाँ, इतना काफी होगा। अब हमें चाहिए पिंक पेंट पैलेट और ब्रश। इसे पेपर पर डैप करेंगे और जब ये सूख जाए इसे पूरे पेपर पर करेंगे और चेहरे को भी पेंट करेंगे। हो गया। अब आगे क्या करें? स्प्रिंकल्स। इसे कोन और पेंट दोनों पर स्प्रिंकल करेंगे। मैंने ये अपनी लिप्स और आईलेट पर भी लगाया है और ये हो गया। ऐसा लगा है जैसे मेरे चेहरे पर ये कोन मेल्ट हो गया हो। अब आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम, यहाँ पर आइसक्रीम है। वो जरा उसे देखो, मैं अपनी आइसक्रीम वहीं से लूंगा। वाह, तुम्हारा मेकअप शानदार है। शुक्रिया। ये रही आपकी आइसक्रीम। मुझे भी दो प्लीज, मुझे कौन पसंद आया। ओह, ये आइसक्रीम स्वादिष्ट है। ये क्या है? खैर, मैं भी ये कर सकती हूँ। लो, देखा तो तुम्हें कैसा लगा? भगवान, काश मैं एक एलियन से मिल पाती। चलो वहाँ देखते रहें और देखते हैं हमें क्या मिलता है। सर, ये शानदार शूज तो देखो। माफ करना, मैं जरा कुछ काम कर रही हूँ। रुको, मैं जानती हूँ तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ कैसे आएगा। जी हाँ, मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं। पहले हम आँख के पास एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी आँख पर भी यही करेंगे। हाँ, बढ़िया है। अब थोड़ा ब्लैक कलर। पहले शेप को फिल करेंगे थोड़ा और ब्लैक कलर लेकर। आईब्रोज को नहीं भूलना। अभी लिप्स पर हमने कुछ नहीं किया। इन जगहों पर हम ब्रश की जगह पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। अब हमें चाहिए ग्रीन। बाकी का बचा हुआ हिस्सा हम ग्रीन से पेंट करेंगे और लिप्स भी। और हाँ, मेरे बाल भी, उन्हें भी ग्रीन ही करना होगा। इन्हें अच्छे से करने के लिए छोटा ब्रश भी इस्तेमाल करें और कॉन्टोर करने के लिए थोड़ा डार्क ग्रीन। इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे कॉन्टोर के लिए, लिप्स के नीचे भी। यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा करेंगे। हाँ, कॉन्ट्रास्ट के लिए येलो कलर लें। इसे चीक बोन्स पर डैप करेंगे। आँख के आसपास करने के लिए ये ठीक है। अब ब्लैक लाइंस पर टचअप करेंगे और थोड़ा सा व्हाइट भी इस्तेमाल करेंगे। अब मैं अगर अपनी आँखें बंद करूँ तो मैं एलियन लग रही हूँ। बहुत मजेदार होने वाला है। ये आवाज कैसी है? शायद ये मेरी वॉल पर है। अरे नहीं नहीं नहीं, आखिरकार, आई लव यू, तुम कमाल हो। हाँ, हमें एक सेल्फी लेनी होगी। रुको, ये कैसा मजाक है? ये बस मेकअप था। तुम एक असली एलियन नहीं हो। खैर, अब इस मेकअप को हटाने की बारी है। इसे अच्छे से साफ कर ले। इसे उतारने में काफी समय नहीं लगेगा। अरे हाँ, उसने पता नहीं उसे कैसे ये कह दिया। योइंक, मैंने ले ली। पकड़ के दिखाओ। उप्स, हो, अब हम फंसने वाले हैं। ये बहुत हुआ। तुम्हें पता है हॉल्स में नहीं भाग सकते। मेरे ऑफिस में अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। ओह, ये बहुत बुरा हुआ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें फंसा दिया। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक और मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। पहले इस तरफ मेकअप लगाएंगे। ये ग्लू है जो सूख जाएगी। थोड़ा यहाँ भी लगाएंगे स्किन को थोड़ा खींच कर। और जब ये सूख जाएगी तो ये झुर्रियां लगेंगी। इसे अपनी नाक और मुंह पर भी लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी, थोड़ा गाल पर भी। और ये तो हो गया। अब आईलिट्स पर लगाते हैं। हाँ, देखो मैं कितनी बूढ़ी लग रही हूँ, पर मेरी लिप्स अभी भी जवान है। इन्हें भी पूरा करना होगा। अब मेरे आईब्रोज की बारी। इन्हें ग्रे करने के लिए थोड़ी ग्लू लगाएंगे और आईलैशेस भी। अब ब्लेंडिंग शुरू करते हैं। आखिर में एक बूढ़ी औरत का विग। तुम्हें कैसा लगा? मैं मॉम जैसी लग रही हूँ या फिर ग्रैंडमा जैसी? हेलो प्रिंसिपल, मेरी ग्रैंडमा आई है। आपने बुलाया था ना? जी हाँ, आइए बैठिए। यहाँ बैठ जाओ ग्रैंडमा, मैं बाहर जा रही हूँ। आप उनकी ग्रैंड मदर है? आपने ये भेजा था? ठीक है। खैर देखिए, वो हॉलवे में भाग रही थी। मैं समझ रही हूँ, बस और कहने की जरूरत नहीं। मैं उससे बात करती हूँ, वो समझ जाएगी। हाँ,
ये काम किया, वो मान गई। हाँ शुक्रिया, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। चलो अब ये चेहरा निकाल दो, जरा देखो ये सीधा निकल रहा है। एक सेकंड रुको। हे, तुम ये क्या कर रही हो, भागो। हे ब्रो, काफी बढ़िया गेम थी, है ना? मुझे खेलना बहुत पसंद है। देखो चलो दोबारा खेलें। ओ बास्केटबॉल मजेदार है, मैं भी खेलूं? ओ बिल्कुल नहीं, ये हमारा गेम है। हाँ ये क्या, मुझे लगा तुम्हें बास्केटबॉल खेलना पसंद है। लड़के कभी कभी अजीब बर्ताव करते हैं। एक सेकंड रुको, अगर मैं सबसे पहले ये इयररिंग्स उतारने होंगे। हाँ मैं सारा मेकअप हटा देती हूँ, लैशेस और आईज भी। बाय बाय ग्लिटर। मुझे अपना चेहरा पूरा साफ करके अच्छा लगता है, अब ये बिल्कुल साफ हो गया और नए लुक के लिए तैयार है। पहले मैं आईब्राउज को डार्क कर लेती हूँ, तो इसे थोड़ा घना करना होगा। थोड़ी कॉन्टोर लाइंस बनानी है, मैं इसे ऐसे करूँगी। अब इसे ब्लेंड करेंगे। जी हाँ अब आईलैश की बारी है, इन पर थोड़ा फाउंडेशन लगा देते हैं। अब मुझे बस थोड़ा सा ब्लैक कलर चाहिए, थोड़ा सा डैब करेंगे ताकि यहाँ हम डॉट्स बना सकें। मैं यहाँ पर हल्की हल्की दाढ़ी बनाना चाहूँगी, बिल्कुल मेरी जॉ लाइन पर और चिन पर। लो हो गया, बस एक चीज बाकी है, इस हैट से बालों को छिपाएंगे। तो आपको कैसा लगा, क्या वो मान लेंगे क्या मैं लड़कों की तरह लग रही हूँ? ये मेरे काफी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है, अब वो मुझे खेलने देंगे। अरे यार ये बॉल बिल्कुल फ्लैट हो गई है। हे ब्रो, खेलना चाहोगे? तुमने काफी अच्छा किया ब्रो। तो तुम्हें ये कैसा लगा? मैं ब्रो नहीं हूँ, तुम्हें मुझे पहले ही खेलने देना चाहिए था। हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो खेलें। आपकी सबसे अच्छी मेकओवर टिप क्या है, हमें नीचे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।